अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि कलयुगी ससुर ने अपनी बहू पर किया हमला। मामला कटघर कोतवाली क्षेत्र के पीतल नगरी का है, जहां एक विधवा महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुर ने उस पर हमला किया था, जिस पर ससुर भगीरथ शरण ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां एक शिकायती पत्र देकर अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और कहा है कि पूरा मामला संपत्ति से जुड़ा है और उसकी पुत्र वधु संपत्ति को हासिल करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रच रही है। ज्यादा जानकारी देते हुए भगीरथ शरण ने बताया, ये जो पुत्र वधु है, ये मेरे पुत्र के बाद मरने के बाद इधर उधर जाने लगी, जिसके बाद तुम लोगों ने इसे बताया कि तुम इस पर अपनी जो संपत्ति है, अगर तू लेना चाहती है तो इस पर बार बार आरोप लगा, तो डर करके ये तेरी संपत्ति, अपनी संपत्ति तेरे नाम कर देना। ये प्रथम तल पर रहती है। जब मैं नीचे टीवी देख रहा था तो ये आई कि इन कागजों पर दस्तखत करो, कि चाकू लेकर आई थी, चाकू लेकर आई और कहने लगी इन कागजों पर दस्तखत करो ना, तुम्हें हम अभी मार देंगे। मैंने कागजों पर दस्तखत करने से मना कर दिया। तब इसका इसके भाई सुमित ने क्या कहते हैं, सुमित ने अपने हाथ में चाकू लेकर के ले लिया और गुत्था गुत्थम गुत्था हो गए, और जिससे सुमित का चाकू रश्मि कौशिक के नाक पर लगा तथा और भी जो बार हैं सुमित के चाकू से हुए हैं। मेरे हाथ में चाकू नहीं था। जब कुछ लोग वहां पर आ गए तो वो चाकू मैंने छीन लिया उससे, और चाकू लेकर के मैं बाहर भागने लगा और वो चाकू मैंने नाले में डाल दिया तथा मैं मेरे भी कई चाकू लगे छोटे छोटे, तो मैं भागने लगा। इसके बाद मैं अस्पताल पहुंचा, अस्पताल में मैंने अपनी डॉक्टरी कराई। डॉक्टरी कराने के बाद उसमें जो मेरे चोटें लगी हैं वो चोटें डॉक्टरी में दिखाई। आपने चिट्ठी सुनता पुलिस पर गई हैं? पुलिस पर गई सुनता थी? हाँ। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने तो मेरी सुनी नहीं। क्या कहा पुलिस ने हैं? क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने तो जी पुलिस ने कहा हम जांच करेंगे।